सीडी 208 ड्राफ्टिंग गारमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के टॉपिक सलवार सूट के बारे में हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग आती है प्लेन कुर्ते की। प्लेन कुर्ते के लिए हम जो मेजरमेंट लेंगे वो है फुल लेंथ 38 इंच एंड शोल्डर 15 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 28 इंच, वेस्ट लेंथ है 16 इंच, हिप 22 इंच एंड हिप राउंड है 32 इंच। अब इसमें सबसे पहले 0 to 1 फुल लेंथ है, 0 to 1 फुल लेंथ प्लस 2 इंच, यानी जितनी हमारी इसकी कुर्ते की जो लेंथ है फुल लेंथ प्लस 2 इंच यानी 38 प्लस 2 इंच किया तो हो गया 14 इंच। ऐसे ही हमारा 0 to 2 में हाफ शोल्डर प्लस इसमें जैसे आपका शोल्डर है इसमें 15 इंच का हाफ किया तो 7.5 हो गया इसको। वैसे ही अब है 0 to 3 चेस्ट 4 - 1 इंच, तो हमारे जो मेजरमेंट है इसमें चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का 4 करेंगे तो 8 आता है, 8 - 1 किया तो 7 इंच है। ऐसे ही अब है 3 to 4, इसमें देखो 3 to 4 थ्री और फोर पॉइंट है वो है चेस्ट 4 + 1 इंच। अब है 0 to 2 इक्वल है 3 to 5 के, यानी 0 to 2 इसके बराबर है 3 to 5 के। 5 to 6 है हाफ इंच, 0 to 7 चेस्ट 12 है, और जिस जितना चेस्ट है उसका 12 कर देंगे तो 0 to 7। 0 to 8 है 2 सेंटीमीटर फोर बैक नेक सीट, 0 to 8 पॉइंट में है 2 सेंटीमीटर फोर बैक नेक शेप, इसका बैक नेक शेप है। 0 to 9 चेस्ट 12 फोर फ्रंट नेक शेप है। अब है 2 to 10 फोर हाफ इंच शोल्डर डाउन, यहाँ पे हम 2 to 10 इंच में हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब है 7 to 10 इंच, ये है 7 to 10 विथ स्ट्रेट लाइन, इसको हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब है 10 to 5 द मिड पॉइंट, इसमें 10 to 5 इसका मिड पॉइंट है 11, 11 इसमें 11 to 12 है हाफ इंच है, ज्वाइंट करेंगे हम 10, 11, 4 इज द फ्रंट आर्म होल शेप, यह फ्रंट आर्म होल शेप। अब हम बैक आर्म होल शेप को करेंगे तो जॉइंट 10, 12, 4 इज द बैक आर्म होल शेप। अब है 0 to 13, 0 to 13 में है वेस्ट लेंथ, जितनी हमने इसमें वेस्ट लेंथ ली है वो है। 13 to 14 इसमें वेस्ट 4 + 1/2 इंच है। 0 to 14 है हिप एंड 15 to 16 है हिप 4 + 1/2 इंच, 15 to 16 बराबर है इसके 1 to 17 के। अब 16 to 17 स्ट्रेट लाइन, इसमें जो है 16 पॉइंट है उसको 17 पॉइंट से हम मिला देंगे और फिर हम इसमें कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा स्लीव, इसमें स्लीव नेक्स्ट है स्लीव, प्लेन स्लीव। अब है इसकी कुर्ते की स्लीव, स्लीव के लिए जो ड्राफ्ट है इसमें 0 to 1 स्लीव लेंथ, इसमें हमने स्लीव लेंथ ली है 5 और इसमें चेस्ट वही रहेगा 32 इंच एंड स्लीव राउंड है 10 इंच। 0 to 1 स्लीव लेंथ
आ जाएगा, अब है 0 to 2 चेस्ट 4 प्लस हाफ इंच आ जाएगा। इसमें 0 to 2 इक्वल है 1 to 3 के, 0 to 5 1 इंच एंड 2 to 4 चेस्ट 12, इसमें जॉइंट 4 to 5, 4 to 5 का मिड पॉइंट है 6 एंड 6 to 7 बराबर हाफ इंच, जॉइंट 0 5 7 4 बैक आर्म ऑल सी, इसमें 0 5 7 4 ये बैक आर्म ऑल शेप है एंड 0 5 6 4 ये फ्रंट आर्म ऑल शेप है। 3 to 8 वन इंच है, अभी जॉइंट 4 to 8 एंड इसका आर्म होल लाइन अंडर आर्म लाइन है, और 1 to 8 एंड 3 to B बराबर 1 इंच बॉटम फोल्डिंग। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है सलवार, तो इसमें जो है सलवार है बेल्टेड सलवार, तो बेल्टेड सलवार के लिए जो हमने मेजरमेंट लिया है इसमें वो है फुल लेंथ 14 इंच, हिप राउंड 32 एंड वेस्ट है 28 इंच एंड बॉटम 14 इंच। इसमें 0 to 1 फुल लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ प्लस 3 सेंटीमीटर, जितनी हमने सलवार की लेंथ ली है फुल लेंथ ली है उसमें से बेल्ट लेंथ माइनस कर देंगे और 3 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर देंगे। अब है 0 to 2 हिप 3 प्लस 8 इंच एंड 0 to 3 हिप 3 प्लस 1 इंच है, 0 to 2 इक्वल है 3 to 5 के, 4 to 5 बराबर इसमें 5 सेंटीमीटर है एंड 5 to 6 हाफ इंच है, जॉइंट 2 6 4 विथ कर्व शेप है इसमें, और 1 to 7 हाफ बॉटम, जितना 14 है हमारा बॉटम तो इसका हाफ आ जाएगा। अब जॉइंट 4 to 7 विथ स्ट्रेट लेंथ में हम स्ट्रेट इसको मिला देंगे। अब है इसमें बेल्ट, तो ये जो बेल्ट है बेल्ट के लिए हमने इसमें 0 to 0 to ये है 1 लिया है, 0 to 1 में हिप 4 प्लस 4 इंच आ जाएगा एंड 0 to 2 इसकी बेल्ट विड्थ आ जाएगी जो कि 8 इंच है, तरीके से इसमें इसकी ड्राफ्टिंग है। इसमें जो ये है ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे ऑन फोल्ड लग रहा है ऑन फोल्ड का जो मार्क है उसमें ये है कि फैब्रिक ऑन फोल्ड है, और इस तरीके से इसकी सलवार सूट की आज ड्राफ्टिंग समझी। थैंक यू।